आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के टॉपिक पर, जिसको आम भाषा में दिल का दौरा भी कहा जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय अग्रवाल है, मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि दिल के दौरे के क्या मेन लक्षण होते हैं। दिल के दौरे के लक्षण में सबसे पहला आता है बहुत तेज छाती में दर्द होना और छाती के दर्द के साथ बहुत तेज पसीने आना, साथ ही सांस फूलना, दिल की धड़कन महसूस होना और चक्कर आके बेहोश हो जाना, ये सब भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। जिन मरीजों में बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड रहता है, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारे लक्षण वाले मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि मरीज को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में खून पतला करने की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इत्यादि से हार्ट अटैक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और अगर इन दवाइयों से हार्ट अटैक नहीं कंट्रोल होता है तो कुछ केसेस में कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ECG इको की जांच के बाद डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे कि इनको कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं है।